भाई हमारी वीडियो बना रहे हैं, तो इतनी हाइट है, कम से कम करीब 50 फीट की ऊंचाई में ही होगा अभी, और बहुत मजा आ रहा है। ओके, सो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज डेट है 11th of May 2022, और मैं निकल गया हूँ गोवर्धन रिजॉर्ट से, जहाँ पे मैं रुका हुआ था। निकला नहीं हूँ, मतलब मैं द्वारका के लिए जा रहा हूँ फिलहाल। अभी द्वारका में भी दो सिचुएशन हो रही है मेरे लिए। यहाँ पे दो द्वारका हैं, एक मेन द्वारका सिटी और एक बेड द्वारका करके एक जगह है वहाँ पे। और बेड द्वारका यहाँ से करीब करीब 40 to 45 किलोमीटर, और जो द्वारका मेन सिटी है वो यहाँ से 8 किलोमीटर। तो द्वारका तो मैं आज घूम लूँगा, बेड द्वारका में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा घूमने के लिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि द्वारका, मतलब मेरे जो रिजॉर्ट है यहाँ से द्वारका 8 किलोमीटर, तो कोई लिफ्ट लेके यहाँ से द्वारका जाता हूँ, और वहाँ पे पूरा आसपास की लोकेशन देखता हूँ, शाम तक वहीं घूमता हूँ जो भी चीज़ें। और कल सुबह यहीं से मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा 40 to 45 किलोमीटर, वहाँ जाके उस एरिया को घूम के फिर परसों सुबह मैं निकल जाऊँगा पोरबंदर के लिए। पोरबंदर पड़ता है सोमनाथ वाली साइड, मतलब जिस साइड को अभी मैं हूँ, रिजॉर्ट वाली साइड। तो डन, देखते हैं, गर्मी हो गई शुरू, अब देखते हैं किससे लिफ्ट मिल सकती है, तो क्योंकि ट्रैवल विदाउट मनी मेरा मोटिव है, उस मोटिव को पूरा करना है कैसे भी करेंगे। चलो अभी द्वारका चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें। तो मैं अपने रिजॉर्ट से निकला और पहली लिफ्ट हमें मिल चुकी है, और हमारे भैया हमारे द्वारका से ही हैं, और नाम बड़ा गजब भैया का, हेमू भा बहुत प्यारा नाम है भैया आपका, सच में बहुत यूनिक नेम है एक्चुअली। हेमू भैया से हम मिले और भैया ने मुझे गाइडेंस दी यहाँ के आसपास की, कैसे घूम सकते हैं, क्या घूम सकते हैं। और एक और चीज़ भैया ने बहुत प्यारा ऑफर दिया है, स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग के लिए भैया ने ऑफर किया है कि भैया लोकलिटी हैं, तो स्कूबा डाइविंग का यहाँ जनरली चार्ज होता है 2000 रुपीज़, और मेरे लिए भैया ने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे करवा रखे। तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच पहले से। वेलकम वेलकम। बाकी भैया से और जानकारी देते कि आसपास क्या क्या घूम सकते हैं हम लोग, और मैं आपको बता दूँ कि आप कैसे आसपास द्वारका के आसपास क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ओके चल, हमारा है ना पूरा ड्रेस है हमारी कास्ट का, इसको चैनो बुस्कोट बोलते हैं, चैनो और बुस्कोट, चैनो और बुस्कोट। ये जो ऊपर है ना वो रुमाल है, ये हमारा पहनावा है हमारी कास्ट का। क्या बात है, आप लोकेशन है, और नरेश भैया ने बताया कि बारिश शुरू हो चुका है, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। देखते हैं अभी जो भी ऑप्शन होंगे वो करते हैं, ऑप्शन नहीं हो सकते वो अगली बार आगे कर, है ना। शुक्रिया, चलिए अभी चलते हैं लोकेशन पे। ओके, तो बीच की हवा यार बड़ी जबरदस्त हवा चलती है, बीच में पानी हो गई, पानी हो गई इसलिए अलाउड नहीं कर रहे अंदर स्कूबा डाइविंग के लिए। एंड बोला जाता है कि इस बीच को ब्लू फ्लैग दिया हुआ है ना, और ब्लू फ्लैग काफ़ी कम बीच के मिलता है, वायर होती है, पानी लहरें होती जा रही है, काफ़ी कम बीच को मिलता है, तो उनमें से एक ही है और ये नंबर वन पे है। और जब आप स्कूबा डाइविंग करवाते हो कितना अंदर लेके जाते हो? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर अंदर ले जाते हो? अच्छा, बीच एरिया। स्टार्ट करने का कुछ ऐसा हो रहा है, ट्रैक्टर से खींच रहे हैं, देखो नाइस अमेजिंग। राजपुर बीच पे मैं अभी हूँ,
और स्कूबा डाइविंग का जैसे मैंने आपको बताया था, स्कूबा डाइविंग और भी जो एडवेंचरस यहाँ पे चीज़ें होती हैं वो अभी यार बारिश के मौसम की वजह से बंद कर दी गई हैं। और एक बैलून राइड यहाँ पे हो रही है, इस साइड को हो रही है, अभी मैं दिखाऊंगा उसका क्लिप, इस साइड बैलून राइड वगैरह हो रही है, तो ये मुझे करने का मौका मिलने वाला है। उसके लिए एक घंटे का टाइम है, अभी बुकिंग वगैरह चल रही है और एक घंटे का टाइम है अभी उसके लिए, तो मैं बैलून राइड वगैरह करने वाला हूँ। फिलहाल एक घंटे का टाइम है तो मैं आसपास के लोकेशन में घूम रहा हूँ, बीच में क्या क्या है और चीज़ें देखते हैं। और स्कूबा डाइविंग में सोच रहा हूँ अगली बार जब दिवाली पे आऊँ ना मैं, तो उस टाइम मैं करके जाऊँगा पक्का, और मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। फिलहाल मेरे जूते उछ गए गंदे तगड़े वाले, क्या सही यार ऊपर कहाँ से? अभी मैं शिवराजपुर बीच पे टावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होस्ट टावर में बैठा हूँ। और यहाँ पे किसी को आना अलाउड नहीं होता है, भैया लोगों ने मुझे अलाउड किया यहाँ पे, तो पहले तो थैंक यू भैया। और दूसरा भैया लोग लाइफ सेवर्स हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है तो पूरा आप लोग ही देखते हैं, रेस्टिट्यूट करते हैं हम लोग, जो आदमी अंदर ना है सब आदमी पुलिस नहाते हैं हम लोग, उसका नीचा रखते हैं, वो आदमी को परेशान रोकते हैं तो हम लोग रेस्क्यू करते हैं। इसके लिए हम लाइफ सेविंग सपोर्ट के लिए सेफ्टी का बोला जाता है, लाइफ सेविंग सेफ्टी का और बहुत अच्छा कर रहे हो भैया आप लोग, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच मुझे आपने परमिशन दिया ऊपर आने के लिए, और ऊपर तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है यार, देखो नीचे यहाँ से बड़ा समुद्र दिख रहा है अच्छा सा। फिर आपके पास वो भी होता है क्या, लाइक दूरबीन वगैरह कुछ? तपती गर्मी में मैं पहुंच गया हूं दोबारा से बैलून राइड करने। अब मुझे अगर चांस मिलता तो फटाफट करता हूं, फिर निकलता हूं द्वारका के लिए यार, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहां पे। पीछे साइड मेरी बैलून राइड हो रही है, इसलिए यहां पे बैलून को अनफोल्ड किया जा रहा है। तो राइड बेसिकली क्या होती है कि आप यहाँ से लेकर ट्रैवल करते हो उस लोकेशन तक, एक डिस्टेंस तक, वहाँ से जब आप वापस आते हो तो अगेन बैलून फोल्ड हो जाता है, उसको अनफोल्ड करके आप इजीली अगले राइड के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो रोज़ आपको कस्टमर मिल जाते हैं? साइड में अरे मेरी बारी आ गई है, टाइम टू राइट। उफ उफ गर्मी, एक बंदा और भेज दो यार जो वीडियो बना दे, भेज दो ना यार। हाँ ठीक है, भेज दो अभी, भेज दो अभी, भेज दो। हाँ ये एक तो नहीं नहीं इसको पहनाते हुए दिखाना है ना ऑडियंस को। हाँ एक लड़के को भेज दो। हाँ तुम मोबाइल दे दो, इसको आप पहन लो। हाँ हीरो लग रहे हो, इसको भी आप पहन लो ठीक है, और लोगों को दिक्कत नहीं है, उड़ेगा लेकिन नहीं तो फोल्ड करके पहनना। हाँ बात लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रो तुम बनाओ वीडियो, लो दिख रहा हूँ मैं, ये तो पहले इससे बनाओ, फिर इसको मैं दूंगा, जब तुम जा रहे हो ना तब दूंगा मैं ठीक है। इस साइड आओ, जहाँ से यहाँ से बनाओ, दिखाई दो। और ये हमारे भैया बड़े प्यारे लोग हैं यार, बहुत जबरदस्त लोग हैं, कभी भी आओ इनसे मिलके जुड़ जाना, और इनसे ही राइड ले रही है तुमने ठीक है, सारे इंडिया वाले देख लो चलो। और अब मैं इस कैमरे से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस देखना, अब सो पकड़ो आप इसको, बिल्कुल यहाँ पे टच नहीं करना है, साइड से पकड़ना है ठीक है। लो ये ला बलून को, ट्रैक्टर कहाँ गया हमारा? नहीं नहीं वो उसको उतारने गया है। अच्छा ये पूरा फेंक कर टोपी कर लेते हैं उल्टी, है ना जी। चलिए रेडी से रेडी से
काम रेडी छे? रेडी रेडी आबो रेडी जी बुला दे एक बढ़िया सा ट्रैक्टर मस्त वीडियो बन रही है दिखाओ दिखाओ वीडियो सर ये तुमको ये दोनों पकड़ने हो कारा ब्लेड है ये दोनों पकड़ना पड़ेगा तुमको ठीक है कैमरा पकड़ूंगा यार मैं लेकिन कैमरा मैं पकड़ा दूंगा ये दोनों सब पकड़ लो ये कैमरा यहां पे डाल दीजिए बाद में निकाल लेना हां ये देखिए हां किस आईडिया पे बैठेंगे कैसे फिर ओ बैठ जाओगे फिर चलो मैं कर लूंगा ना कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं अनिल आओ बेटा हां तो जनरली ये हमारी फर्स्ट बैलून राइड है लाइफ की और भैया लोगों की बदौलत तो पहले तो थैंक यू आप लोगों को यार बहुत अच्छी बहुत मेहनत करते हैं आप लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोग और ये इसका क्या काम है ये कुछ काम नहीं सर बाद में सीट में बैठ जाएगा ना सीट में बन जाएगा अच्छा। उड़ा लगनी भी कोई और मुझे क्या पकड़ना है इसको इसको दोनों को पकड़ पहले ये बेस निकाल दो नहीं इसको मैं कर लूंगा कुछ बस तीन बस है इसके थोड़ा सा तो मैं तुमको जोड़ाऊंगा साथ में मैं आऊंगा डन 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 रेडी फॉर राइड सर रेडी फॉर राइड ओके अमेजिंग हाँ नाइस है कुछ ऐसा व्यू आ रहा है टांगे ऐसी हो रही है उतना लंबा ऊंचाई में करीब 50 फीट की ऊंचाई में ही होगा अभी और बहुत मजा आ रहा है और मैं आसमान की वादियों में पीछे से भाई हमारी वीडियो बना रहे हैं तो इतनी हाइट है कम से कम और रही बात डर की डर भाई हो चुका है ख़त्म क्योंकि हम लोग बाहर से जब से पैराग्लाइडिंग किया तो डर खत्म हो गया लेकिन टूटेगा नहीं एक बार नीचे गिर के उसके बाद ही डर आएगा अमेजिंग राइड नया एक्सपीरियंस है नीचे हमारे एक भाई लोग कितना डाउन में देखो ये देखो ये उसके सामने ट्रैक्टर इतना छोटा लग रहा है राइड का अलग ही मजा है यार बहुत अमेजिंग राइड है देखो पीछे कुछ नहीं दिख रहा आवाज आ रही नहीं आ रही पता नहीं राइड इज वेरी अमेजिंग इतनी ऊपर से रस्सी है ओह अरे उड़ाओ उड़ाओ और उड़ाओ रुकना नहीं है हेलो हेलो बोलो हेलो हाथ तो हिला दो राइड हो गया कंप्लीट कितना कितना मीटर हो गए टोटल कितना मीटर हो गए 900 मीटर थे चलो बढ़िया तो हमारे भाई लोग जो सेकंड पॉइंट पे खड़े होते हैं अच्छा आप लोग अभी देख रहे हो मेरे को तुम लोग यहीं पे थे अभी बताता हूँ रुकते जी थैंक यू मेरे भाई थैंक यू राइड करने के बाद आपको ट्रैक्टर से जाना होता है ना ट्रैक्टर की सवारी बहुत सेक्सी लगती है मेरे को भाई ये था जिसमें मैंने राइड किया जय श्री कृष्णा और ये भाई हमारे जिन्होंने वीडियो बनाई थी थैंक यू कोई बात नहीं थैंक यू कैमरा हाँ अरे भाई से तो मिला अभी तो मिला था आपसे मैं नहीं मिला था नहीं मेरे क्या मिला है नहीं मिले थे किससे मिले थे यार अच्छा अच्छा चलो ठीक है सब आओगे अभी ये पूरी टीम है तुम्हारी ना ये टीम है इनकी बीच में राइड चल रही है बस बिल्कुल खत्म दूसरी की बारी है तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है हाँ भाई और इनकी पूरी टीम है यहाँ पे तो यार जब भी कभी आओ भाई से मिलो ये पूरी राइड आपको करवाएंगे जो भी टिकट वगैरह होगा ये सब भाई लोग को बता देंगे ठीक है तो और ऑडियंस को पूरा सपोर्ट करना है हमने है ना और जो मेरे खास खास होंगे ना उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देना यार आपके थ्रू आएंगे उनको फ्री में करवा देंगे अरे वाह क्या बात है लिफ्ट लेके दोबारा से द्वारका की तरफ जा रहा हूँ लिफ्ट लेके मैं द्वारका की तरफ जा रहा हूँ द्वारका से मुझे भी 7 किलोमीटर आगे जाना है द्वारका 5 मिनट में वापस आऊँगा द्वारका में फिर वीडियोज वगैरह बना दी हाँ तो जनरली चाय यहाँ पे ऐसे पी जाती है प्लेट्स में डाल के क्या बात है तो हम द्वारका में पहुँच गया था द्वारका में भाई के साथ पहुँच गया था अब मैं जा रहा हूँ द्वारका से अबूबा भैया के साथ अबूबा भैया बड़ा गजब नाम है यार तो भैया मुझे अब अपने रिजॉर्ट तक छोड़ने आ रहे हैं तो यार एक चीज़ आप देखना मतलब गुजरात में बहुत लोग आपको हेल्प करने वाले मिलेंगे और मतलब मज़ेदार लोग हैं बिल्कुल स्माइली फेस है बिल्कुल चेहरे पे स्माइल कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं श्री कृष्ण भगवान की दया है यहाँ पे तो वही जा रहे हैं अच्छा ये पुल के बारे में तो मैंने सुना था राम सेतु पुल में यहाँ पे आऊँगा शाम को आऊँगा शाम को मंदिर है हाँ शाम को अभी मैं आपको अभी रूम पे जा रहा हूँ मैं और थोड़ा सा एडिटिंग कर लेता हूँ फिर शाम के वक्त मैं आके फिर आप लोग यहाँ के आसपास की लोकेशन दिखाऊँ
अभी हम हबूबा भैया के साथ जा रहे हैं, हमारे हबूबा भैया। ओके, तो अभी शाम हो चुकी है, मैं थोड़ा सा आराम किया और मैं दोबारा जा रहा हूँ द्वारका के लिए। और मैंने जैसे बताया ना, मैं रिजॉर्ट पर आ गया था, अब मैं जा रहा हूँ द्वारका के लिए, 8 किलोमीटर दूर फिर से। चलो चलते हैं, देखते हैं शाम का माहौल कैसा होता है द्वारका का, मंदिर के दर्शन करवाते हैं आपको। मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, और मंदिर के बारे में एक और चीज़ बता दूँ कि इसकी एक टाइमिंग होती है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे आप लोग मंदिर में घूम सकते हो। और ऐसा नहीं कि सुबह शाम होती है, शायद दो दो घंटे का गैप होता है, बीच में आधे आधे घंटे का गैप होता है, ऐसा ही कुछ होता है। उस टाइम पर मंदिर खुला रहता है, उसी टाइम पर आप लोग दर्शन कर सकते हो। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मंदिर के बाहर से ही आपको जितना हो सके वहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, अंदर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये है द्वारकाधीश मंदिर, और ये जो पुल आप देख रहे हैं, सुदामा सेतु पुल है। यहाँ का कुछ ऐसा माहौल अभी हो रहा है शाम के वक्त का। तो द्वारका का मेन जो जरिया है पैसों का, वो टूरिस्ट ही है। टूरिस्ट के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, लाइक कैमल राइड हो गया, हॉर्स राइड है, और बीचेज में अलग अलग बोट्स की राइड है, स्कूबा डाइविंग, बैलून राइड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो उसी का एक, वो एक बहुत बड़ा जरिया है यहाँ से पैसे अर्न करने का। जिन्हें यहाँ पे फूड स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, गुजराती अटायर हो गया, एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। और द्वारका बीच से रिलेटेड जैसे कुछ मूर्ति वगैरह खरीदनी हो, पोस्टर्स खरीदने हो, तो आपको ईजिली यहाँ पे मिल सकते हैं। आसपास के जो लोकल गाइड लोग हैं उनसे पता करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बेस्ट चीज़ें घूमने के लिए, और किस किस जगह पे कितना टाइम लग सकता है आपको घूमने के लिए। राइट, आप बताइए भैया, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग घूम सकते हैं। अरे, यहाँ से आगे 30 किलोमीटर आगे बेट द्वारिका है, और उसमें एक पौराणिक हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान डांडी। फिर यहाँ आगे शिवराजपुर बीच है घूमने जैसे, और एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर महादेव। और यहाँ क्या द्वारका में क्या क्या घूमने लायक, एक मंदिर है में, एक भड़केश्वर महादेव है। अच्छा, वो अच्छी जगह है। और सुदामा पुल हो गया, हाँ। एंड मंदिर तो है ही, और ये जगत मंदिर। जगत मंदिर, ओके, चलिए, नाइस, थैंक यू। तो हर्षल भाई हमें आज घुमाने वाले हैं आसपास की लोकेशन में, देखते हैं कहाँ का घुमाते हैं। हर्षल भाई जितना जानते हो ना लोकल चीज़ों के बारे में, सब घुमाना है, जितना बाहर वालों को भी नहीं पता उतना घुमाना है मेरे को। ठीक है, चलो आगे। हरे कृपा सिंस 1996 यहाँ पे एक शॉप है, बता दें कि फेमस बटर मिल्क मिलता है। अच्छा, क्या बात है, यहाँ की फेमस क्या बोलते हैं इसे, बटर मिल्क, छाछ सोडा। क्या बात है, जनरली जो अपना द्वारका मंदिर होता है उसके एक बहुत अच्छी खासियत वहाँ पे पता चली है, जो द्वारका मंदिर का ध्वज होता है, यानी कि जो फ्लैग होता है, जो झंडा होता है, वो एक दिन में 5 बार चेंज होते हैं। तो उसका कारण ये है कि जो झंडा होता है वो किसी की मन्नत होती है, एक्चुअली जो लोग मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो लोग झंडा चेंज करवाते हैं। लेकिन उस झंडा चेंज करवाने के लिए आपको एक सीक्वेंस होता है, एक नंबर में रहना पड़ता है। तो हो सकता है कि आपने अगर कोई मन्नत मांगी वो पूरी हुई और आपको झंडा चेंज करवाना है, तो करीब करीब आपको 1 से 2 साल भी रुकना पड़ सकता है। तो ये बात भी पता चली। और अभी हम किस जगह पे भैया, ये द्वारका का श्मशान मोक्ष धाम, जो भारत में कहा जाता है ना, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंती का द्वारका पूरी गया, उसी में से ये मोक्षपुरी का श्मशान द्वारका का। तो ये बीच का व्यू, तो यहाँ पे ये बना रखे हैं ट्रायंगल जैसे, तो इसलिए होता था कि अगर डायरेक्टली अगर वेव्स आए तो वो क्रॉस ना कर सके, पूरा पार पानी ना आ सके। और अभी पानी की लहरें वैसे भी छलक रही है, देखो। ओके, तो हम अभी गोमती घाट में, ये गोमती घाट इसको बोला जाता है, जो समुद्र से बिल्कुल टच होके ये घाट है, और एक एरिया सा बना रखा है जहाँ पे आप लोग उस ब्रिज के पार, जो मैंने आपको सुदामा ब्रिज बताया था वो सामने ही है, उस ब्रिज के पार क्या लहरें उठ रही हैं यार, उस ब्रिज के पार आप लोग ईजिली वहाँ पर बोटिंग वगैरह कर सकते हो, बट यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लहरें उठ रही हैं अभी, है ना।
मंदिर के दर्शन करने में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप कभी भी मंदिर में शॉर्ट्स पहन के नहीं आ सकते हो, आपको निकर पहन के अलाउड नहीं होता है। ये चीज़ मैंने अक्षरधाम में भी देखी थी, तो कभी भी आप निकर मत पहनेगा। अगर आप गलती से निकर वगैरह पहनते हैं तो आप यहाँ से धोती वगैरह परचेज कर सकते हो। तो हमारे दो भाई हैं यहाँ पे, ये आपको यहीं पे मिलेंगे, तो आप इनसे किराए पे धोती ले सकते हो, है ना। मैंने भी पहनी थी कोई क्या। दूसरी चीज़ आपको, हाँ ये आपको टोकन मिलेगा इस टाइप का, और आप इनसे कोई धोते वगैरह लेके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग मैंने एक चीज़ देखी, आपको आप कभी भी मोबाइल फ़ोन्स, कैमरा या कोई भी अलग चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे नहीं लेके जा सकते हो। उसको आप यहाँ पे जमा कर सकते हो, यहाँ पे ऐसी मंदिर में जगह बनी होती है, यहाँ पे आप लोग को जमा करना होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और अपनी श्रद्धा के अनुसार आप उनको पैसे वगैरह पे कर सकते हो, ठीक है। ये सेकंड चीज़ है। और थर्ड थिंग, मंदिर के दर्शन करने का एक टाइम पीरियड होता है, जैसे अभी शाम के 8:30 बजे आरती होती है, और सुबह का भी कोई टाइम पीरियड होता है, तो उसी टाइम पीरियड में आपको आना होता है। 7:30 बजे अच्छा, दो आरती होती है, हाँ। शाम को 5 बजे मंदिर खुल जाएगा, हाँ। रात को 9:30 बजे बंद हो जाएगा। ओके, तो ये 6:30 बजे खुलता है, शाम को दोपहर को 1 बजे बंद हो जाएगा, हाँ। बीच में 1 घंटे का पट बंद हो जाता है। ओके, क्या है कि 8 से 9 है ना, बंद रहता है 1 घंटा, हाँ। फिर खुल जाएगा। ओके, हाँ, तो ये एक शेड्यूल होता है, तो उसको आपको फॉलो करना है। और बाकी बहुत अच्छी लोकेशन है यार, मेरा तो आज लास्ट दिन था, सेकंड डे मेरा लास्ट दिन था, तो बस आज एंडिंग करते हैं इसी ब्लॉग की। तो उससे पहले मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ, तो आप मंदिर के दर्शन करो, फिर इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, ठीक है। चलिए, गुड बाय। सामने है अपना द्वारकाधीश का मंदिर, और दर्शन के लिए मैं अंदर कैमरा लेकर जाना अलाउड नहीं है, आप यहीं से देख सकते हो। और यहीं पर मैं वीडियो की एंडिंग करता हूँ। ख्याल रखो, खुश रहो, हैप्पी रहो। जय द्वारकाधीश।